पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट कैसे बनाइएगा। तो अगर आप अभी तक इंस्टाग्राम पर अकाउंट नहीं बनाए हैं और इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप बात करते हैं कि जब आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना लेते हैं तो आपको फिर फॉलोवर्स बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप क्या सोचते हैं कि अब हम अपने प्रोफाइल को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर दोस्तों के पास शेयर करेंगे और फॉलोअर्स को बढ़ाएंगे। लेकिन जब आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं और फिर प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको शेयर करने का या लिंक कॉपी करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो चलिए आप सीधा बात करते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम के लिंक को यानी प्रोफाइल के लिंक को कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, लिंक को जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च बॉक्स में टाइप करना है इंस्टाग्राम और फिर यहाँ पे आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको फिर से क्रोम ब्राउज़र ही चूज करना है। तो चलिए हम क्रोम ब्राउज़र चूज कर लेते हैं। फिर आपके पास अगर इंस्टाग्राम का अकाउंट बना होगा तो इस तरह का आ जाएगा कंटिन्यू एज और आपका यूजर नेम, और हो सकता है ये ऑप्शन नहीं आए आपके पास, हो सकता है ये ऑप्शन आए, आपको फ़ोन नंबर, यूजर नेम या फिर इनमें से कोई एक ईमेल आपको इंटर करने के लिए बोला जाएगा और पासवर्ड इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो चलिए आपको करना क्या है कि अगर ये ऑप्शन आता है तो आपको फ़ोन नंबर, यूजर नेम या ईमेल कोई एक चीज़ इंटर कर देना है और पासवर्ड इंटर कर देना है और उसके बाद लॉगिन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम अभी यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। तो मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर लिया है और इसके बाद अब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो मेरा अकाउंट है जो क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन हो चुका है। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा सेव या नेवर का, तो आप अगर सेव कर देते हैं तो आपको बार बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्रोम ब्राउज़र में ये ऑटोमेटिक आपका अकाउंट लॉगिन मिलता है। तो अब आपको लिंक पाने के लिए, लिंक जनरेट करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे नीचे यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको आपका प्रोफाइल यानी प्रोफाइल पिक का जो होगा वो नज़र आएगा, शो करेगा। तो आपको सिंपली अपने प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आपको देखिए ध्यान से दिखेगा, आपको यहाँ पे इस वाले एरो पे आपको क्लिक करना है, इस वाले पे https://, ऐसे करके कुछ लिखा होगा उस पे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन है और फिर शेयर का भी ऑप्शन है। तो चलिए हम इसे यहाँ पे क्लिक करके इसे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है। अब आपको इसे जहाँ पे भी शेयर करना है आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं और फिर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और फिर सेंड कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम के लिंक को कॉपी कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के लिंक को जेनरेट कर सकते हैं।